हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। रौनक और राधिका दोनों ही दोस्त राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे। उन लोगों के परदादा राजाओं के यहाँ काम करते थे। दोनों ही बचपन से राजाओं के शौर्य के किस्से सुनकर बड़े हुए थे, इसलिए उन्हें राजपूत परिवारों का इतिहास बहुत पसंद था। ऐसे ही एक दिन वह लोग राजस्थान के राजा कुंवर मान सिंह की रानियों का रंग महल देखने के लिए जैसलमेर के पास पहुंच गए। महल लगभग 200 वर्ष पुराना होने के बावजूद अभी भी बेजोड़ खड़ा अपने भव्य इतिहास के बारे में गवाही दे रहा था। यार, ये खूबसूरत महल तो मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत रहा होगा। आज भी ये कितनी भव्यता से खड़ा है। हाँ यार, वो तो है। देखो इसकी दीवार कितनी मजबूत है। अरे हो भी क्यों ना, आखिर रानियों का रंग महल जो था, यहाँ पर रानियों की सारी सुख सुविधाओं के साधन के साथ साथ उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते थे। सुना है महल के अंदर एक भूल भुलैया है, एक बार यदि कोई गलती से उसके अंदर दाखिल हो जाए तो निकलना नामुमकिन होता है। भूल भुलैया के कारण ही रानियों की दुश्मन सैनिकों से रक्षा हो पाती थी। चलो आज तो वैसे भी दोपहर हो गई है, कुछ देर ही हम लोग यहाँ पर और रुक सकते हैं। उसके बाद कल सुबह से हम लोग ये पूरा महल घूमेंगे। तुम्हें जो कुछ भी शूट करना हो ना, आराम से कर लो, क्योंकि अंधेरा होने के पहले हम यहाँ से चल देंगे। राधिका के कहने पर रौनक और राधिका के साथ आए हुए दो और लोग धीरे धीरे महल के भीतर दाखिल होने लगे। वे लोग वीडियो शूटिंग और रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ये देखो, दरवाजे से भीतर दाखिल होते ही सामने एक बड़ा सा आंगन है। आंगन के ऊपर झरोखों को देख रहे हो? इन झरोखों से सैनिक महल के आसपास निगरानी रखते थे। बाकी का महल पहाड़ को काट कर अंडरग्राउंड बनाया गया था। आंगन के अंत में महल के भीतर दाखिल होने के लिए सीढ़ियां बनाई हुई थी। चारों धीरे धीरे उस सीढ़ी की ओर बढ़ने लगे। सीढ़ियों पर मध्यम रोशनी नजर आ रही थी। सक्री सीढ़ियों से एक एक कर चारों महल के पहले तल्ले पर आ गए थे। सीढ़ियां खत्म होते ही वहां भी एक बड़ा सा आंगन था। आंगन के चारों तरफ कुछ कमरे बने हुए थे। रोशनी के नाम पर हल्के पीले बल्ब पूरे महल में जल रहे थे। मानना पड़ेगा हमारी सरकार को, रोशनी की व्यवस्था करी भी तो इतनी कम कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। हाँ, ये तो गवर्नमेंट ने इसलिए किया है कि हम लोगों को पता चल सके कि पहले की महिलाएं कितनी कम रोशनी में अपना गुजर बसर करती थीं। इसी रोशनी में तो ये महल इतना खूबसूरत नजर आ रहा है। कहते हुए राधिका घूमने लगी, तभी उसे वहाँ पर घुंघरू की आवाज आने लगी। राधिका घूमना बंद कर इधर उधर देखने लगी और रौनक से आवाज के बारे में पूछने लगी। राधिका के रुकते ही वह घुंघरू की आवाज आनी भी बंद हो गई। आवाज तो मुझे भी आ रही थी, मुझे लगा तुम्हारी पायलों की आवाज होगी। रौनक, तुम कितने बुद्धू हो, पायल और घुंघरू की आवाज में भी अंतर नहीं कर सकते हो। कहते हुए राधिका जोर जोर से हंसने लगी। काफी देर तक वो हंसती ही रही। उसका यह व्यवहार रौनक के लिए थोड़ा अजीब था। उसने अचानक से हंसना बंद कर दिया और घूरते हुए रौनक की ओर देखने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। ये देख रौनक डर गया। राधिका, होश में आओ, क्या हुआ है तुम्हें? कहते हुए जैसे ही रौनक ने उसके कंधे पर हाथ रखा, राधिका इस तरह चौंक गई मानो वो नींद से जागी हो। क्या हुआ रौनक, इस तरह क्यों आवाज दे रहे थे? और ये मेरा सर क्यों दर्द से फटा जा रहा है? हम लोग तुरंत यहाँ से बाहर निकलते हैं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। कहते हुए रौनक उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगा तो राधिका ने अपना हाथ छुड़ा लिया। राधिका, क्या हुआ तुम्हें, इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो? क्या हुआ मुझे, कुछ भी तो नहीं हुआ। हम लोग यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने आए हैं, और वो करो और तुरंत यहाँ से निकलो। नहीं, मुझे कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना है, तुरंत यहाँ से चलते हैं। मगर मुझे तो कहीं नहीं जाना, मैं तो यहीं रहती हूँ। कहते हुए उसने रौनक के हाथों से खुद का हाथ छुड़ाया और वो तेजी से वहां से गोल गोल घूमने लगी। इतनी तेजी से कि उसे देख रौनक को चक्कर आ गए। उसके घूमने के साथ घुंघरू की आवाज भी तेज होती जा रही थी, इतनी तेज कि रौनक के कान फटने लगे थे। राधिका, बस करो ये पागलपन, क्या कर रही हो ये मेरे साथ? चलो यहाँ से, हमें कोई शूटिंग नहीं करनी है, न हमें इस महल के इतिहास के बारे में जानना है, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, जल्दी चलो यहाँ से। उसकी बात सुनकर राधिका घूमना छोड़कर तेजी से हंसने लगी। अरे तुम तो इतने में ही घबरा गए, अभी तो पूरी कहानी बाकी है। ये झरोखा देख रहे हो,
यहाँ से हम लोग बाहर देख सकते थे, मगर बाहर वाला हमें नहीं देख सकता था। जब महाराज युद्ध से जीत करते थे तो हम इसी झरोखे से उन्हें निहारते थे, और ये सीढ़ियां चढ़ते हुए भागकर ऊपर जाते थे। कितने सुकून भरे हुए दिन थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारे रंग महल की तरफ आंख उठाकर भी देखे। मगर कहते हुए राधिका की आंखें एकदम सफेद हो गई, किनारियों से खून टपक रहा था। मगर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बाकी नहीं था। रौनक को अब डर लगने लगा था। उसे हर हाल में राधिका को अपने साथ लेकर वहां से बाहर निकलना था, मगर कैसे? राधिका तो अपने पूरे होशो हवास में नहीं थी। वो पूरे रंग महल में इस तरह घूमते हुए कहानी सुना रही थी मानो खुद ने कभी इस कहानी को जिया हो। कुछ खत्म नहीं हुआ, सब कुछ बाकी है। चलो यहाँ से, शाम होने वाली है, घर में सब चिंता कर रहे होंगे। चिंता 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 तो सिर्फ महाराज को थी। वे हमारी आंखों से एक आंसू बहता हुआ नहीं देख सकते थे। कहते हुए राधिका की आंखों से खून आंसुओं की तरह बहने लगा। साथ में आए हुए उन लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जैसे ही राधिका ने उन कैमरों की तरफ देखा, रिकॉर्डिंग के कैमरे फूट चुके थे। वो दोनों वहां से डर कर भाग गए। अब महल में केवल राधिका और रौनक थे। रौनक वहां से भागना चाहता था, मगर वो राधिका को छोड़कर नहीं जा सकता था। राधिका चलो! मगर राधिका तो जैसे पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आंखें अब आग उगल रही थी। यह देख वो भी डर कर भागने लगा, मगर राधिका ने हाथ लंबे कर उसे रोक लिया। कहां जा रहे हो? रुको, इस महल के बारे में और भी कई सारी बातें हैं, उसे तो जान लो। मुझे जाने दो, मुझे कुछ भी नहीं जानना है। प्लीज राधिका को छोड़ दो, हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। वैसे तो हम भी राजपूत हैं, इन सब चीजों से नहीं डरते, मगर बात हमारी दोस्त की सलामती की है, हमें जाने दो। क्या कहा? राजपूत हो? राजपूत तो किसी चीज से नहीं डरते। हम राजपुतानियां तो युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों को भी डरा देती थी, और तुम यही डर रहे हो। कहते हुए वो जोरों से हंसने लगी। रौनक कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आओ आओ, तुम्हें महल का एक खास हिस्सा दिखाती हूँ। हर दिन हम राजपुतानियां यही दुआ करती थी कि इस हिस्से को खोलने का कभी मौका ना मिले, मगर ईश्वर ने हमारी नहीं सुनी और महाराज युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, और फिर हमें ये खोलना पड़ा था। आओ मेरे साथ। कहते हुए राधिका ने रौनक का तेजी से हाथ पकड़ लिया था। जहां से राधिका ने रौनक का हाथ पकड़ा था, वो जगह जलने लगी थी। रौनक दर्द से तड़प रहा था, मगर राधिका उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। राधिका उसे लेकर महल के अंधेरे कोने में पहुंच गई, जहां पर कुछ जलने की बदबू आ रही थी। जैसे जैसे रौनक उस जगह के करीब पहुंचा, गर्मी तेज होती जा रही थी। पास जाकर देखा तो आग तेजी से जल रही थी। जानते हो ये क्या है? ये जौहर की आग है, हमारे लिए ये हमारे शौर्य का प्रतीक। महाराज मान सिंह की मौत के बाद हमने यहाँ मौत को गले लगाया था। आज भी पूरे राजस्थान में राजाओं की शौर्य गाथाओं से ज्यादा रानियों की जौहर की गाथाएं सुनाई जाती हैं। कहते हुए राधिका के शरीर से एक सफेद सा साया निकलकर उस अग्नि में कूद गया। राधिका बेहोश हो चुकी थी। वो साया अभी भी रौनक की तरफ देख रहा था। रौनक की आंखें नम हो गई। धन्य भाग्य है मेरे जो मैंने राजपूत खानदान में जन्म लिया। थैंक्स राधिका, आज तुम्हारे कारण मुझे मेरे पूर्वजों की वीर गाथा जीने का मौका मिला। सुबह होने आई थी, अब राधिका को होश आ गया था। उसे रात में क्या हुआ कुछ भी याद नहीं था, मगर रौनक का रोम रोम पुलकित था। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।